से गबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने, बट आई थिंक पूजा रॉक्स. आई थिंक आई कॉल्ड हर अ कपल ऑफ टाइम्स टू. सच्ची स्मूची. आयुष्मान, कई बार ऐसे कई सेलेब्स होते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो जिनको कभी फ़ोन करो तो वो लड़कियों की आवाज़ में खुद ही बताते हैं कि मैं उनकी मैनेजर बोल रही हूँ और आप इस समय. कई ऐसे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर ने फ़ोन किया हो या किसी इवेंट्स के लिए आपको क्वेरी आए हो और आपने लड़की की आवाज़ में बात की हो? यार अब तक तो नहीं हुआ, वैसे आगे का पता नहीं, लेकिन आई डोंट नो. और एकता, आइडिया अच्छा है वैसे यार, बट आप पकड़े जाओगे. आप पकड़े जाओगे. अब पीपल नो योर वॉइस एज अ गर्ल, सो यू पूजा मैनेजर है मेरी. I'll go to Abhishek. Abhishek, what do you have to say? You know, इससे पहले भी we've seen you. You were part of this blockbuster. और अभी ये तो this is gonna go like एक अलग level पे. I'm sure. Amen. है ना? So what do you have to say? Being a part of this film. I think I had a lot of fun. वही मतलब shooting के time में बहुत मजा आया. राज सर खुद जब सुनाते थे नरेशन के टाइम पर, जो उनकी जब टाइमिंग होती थी, मुझे लगता था कि वो टाइमिंग मैच कर पाएंगे हम एक्टर्स, क्योंकि ही इज एक्चुअली हिज टाइमिंग इज वंडरफुल. या और बस आई मीन वी ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड इन रियल लाइफ व्हाट डू यू प्रेफर सर, वीडियो कॉल्स या फोन कॉल्स, ऑडियो कॉल्स? ऑडियो. ऑडियो. चल मुझे पता है क्यों बोला, वो दिख रहा था वहां पे. एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं पूरे फिल्म में तो ऑब्वियसली आयुष्मान सर के साथ यू नो वी हैव एक्टिंग करे और सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से चल रहा था. डबिंग के टाइम पे सडनली आई हर्ड हिम यू नो टॉकिंग लाइक पूजा, और उस दिन मेरे को सच में दिल में थोड़ा सा कुछ हुआ कि यार ये आवाज़, ये बस ये आवाज़ कहाँ से लाते हैं आप? तो उन्हीं से पूछ लेते हैं आवाज कहां से लाते हैं. गिव इट अप फॉर आयुष्मान खुराना लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर टाइम. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? चलो अब ऐसे भी पूछ लेता हूं, आवाज में जाना, बिकॉज दैट द मॉड्यूलेशंस दैट एकता जी वर टॉकिंग अबाउट, कि वो इट्स नॉट इजी यू नो, वो आवाज को बिल्कुल चेंज करना, और सच में लड़की की आवाज लग रही है. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? यार रेडियो का बहुत फायदा हुआ है ऑफ कोर्स, और माइक के पीछे बहुत बार गए रेडियो में और वापस डब किया अपनी आवाज को, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं तो आप वो थोड़ी सी खराश आती है मर्द वाली, लेकिन जब आप माइक के पीछे जाते हैं तो आप कैरेक्टर में जाते हैं, अंधेरे में जब डब करते हैं, जिस फील्स बेटर एंड यू साउंड लाइक अ वुमन. इट्स फैंटाब्युलस, यू नो, इट्स सो मिस सो. सो नाउ इट्स ओवर टू यू वंडरफुल पीपल. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं एंड वी स्टार्ट विद जी. आयुष्मान जी. हाँ जी. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम, ट्रेलर इज फैंटास्टिक, एंड पाजी टू कांग्रेचुलेशन टू यू एज वेल फॉर द नेशनल अवार्ड. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप जैसे पूजा बन के आप जैसे करते हैं, मतलब कॉल वॉल, सच बताइए आपने कॉलेज के टाइम पे ऐसे प्रैंक्स किए थे? यार कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था, कॉलेज में तो ऑफकोर्स, पर स्कूल के टाइम मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन 10th एंड देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन 9th. तो वो हम दोनों लड़की की आवाज़ से ना, अंकल ने फ़ोन उठा लिया, लड़की गर्लफ्रेंड के पापा ने उठा लिया, तो तब हम लड़की की आवाज़ से कि कैन वी जस्ट टॉक टू हर, सो और आसान हो जाता था. राज को बताना चाहिए, राजनी जब भी हम रामलीला और उसकी बात करते हैं तो जाने भी द्वारा महाभारत थी आप अगर देखें तो, और वो महाभारत का वो जो सीन है उसको कहीं हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सीन से, वो एक आइकॉनिक सीन है, वो ऑलरेडी हो चुका है. तो ये हमारा अपना एक अलग टेक है इस पर. तो आई होप कि जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस किस्म से कॉमेडी की है, उसमें किरदार क्या 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 कर रहे हैं. नुसरत, यू आर नोन एज द पंचनामा गर्ल, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट ड्रीम गर्ल? मतलब ये जो ड्रीम गर्ल है इसमें आप हैं, लेकिन सारा ग्लैम तो पाजी लेके जा रहे हैं. अरे 100%. बट आई थिंक कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे. कोई नहीं कोई नहीं, सब बोल आई थिंक इवन इन पंचनामा व्हेन द फिल्म केम, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट द गर्ल्स वुड डू दैट, एंड आई थिंक दैट्स बीन व्हाट आई हैव बीन डूइंग, कि जो तुम नहीं सोचोगे वही आएगा. सो इवन व्हेन द टाइटल केम ऑन, पीपल थॉट आई वुड बी द ड्रीम गर्ल फर्स्ट, बट इट्स नॉट. सो आई लाइक इट. आई थिंक ऑन अ लार्जर स्केल द फिल्म हैज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट फॉर मी दैट इज द स्टार, दैट इज द सेंट्रल कैरेक्टर. And to be a part of an amazing film is always going to be my first priority. And when I heard the narration, it was the easiest
of casting I think I've ever been to. I walked into Balaji, I met Ruchika, I met them, they gave me a narration, and he really is a con artist. He can really convince you. And I heard the narration and I said, I'll do it. And Raj is like, okay, done. I said, okay, done. And Ruchika, okay, dates, done. Okay. And I was on set shooting. It was as simple as that. So, yeah, I think that is what you're going to see in this. A completely different side. कि आप आपने डे वन से जो आपका करियर का ग्राफ देखें तो आपने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स को तवज्जो दी है. हमारे ज़माने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं. तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर स्टारडम का जो ये मुकाम है, इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा? आई थिंक इससे हिम्मत आती है आपकी. जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में बोर और करेज आता है. यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस. जब आपको लगता है आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ की हैं और लोगों को पसंद आ रही है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए. एंड ड्रीम गर्ल इज अगेन दैट फिल्म. और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना, चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था, मैं अंधाधुन में नहीं था, इट इज़ वेरी डिफरेंट. पर हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी है, वही हमारे देश में एक प्रथा रही है, रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीधा बनता है. तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं, इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता, इस हिंदुस्तान में होता है. तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों नहीं की अब तक, तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ. मैं इतने पंचेस थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड. थैंक यू. एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही, बट देन इट हैज़ हेल्प्ड यू. बट देन जब आप राधा सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, एक एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा. किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए? आई थिंक इट इज़ ऑल इन द लाइन. जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं, पंचेस राज शांडिल ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है. तो पर यहाँ इस फिल्म के अंदर यू सी द रेलेवेंस नाउ ऑफ इट, देयर यू गो, ही डिड इट फॉर मी. बट नेवर्थलेस आई थिंक व्हेन यू आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ गर्ल और मे बी साउंडिंग लाइक अ गर्ल, तो आप अचानक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर को डायरेक्टर की विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से. एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक मैन आर ऑल्सो गोइंग गागा ओवर यू. सो इट वॉज ऑफकोर्स चैलेंजिंग फॉर श्योर. ऑल्सो जस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ड्रीम गर्ल जो है वो हेमा मालिनी जी को माना जाता है अभी भी, बट देन एक नई ड्रीम गर्ल हमें इंडस्ट्री में मिल गई है, आई शुड से दैट. नहीं नहीं, वो ड्रीम गर्ल ही हैं जो हैं, और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म हमारी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अश्विन, कॉन्ग्रेट्स ऑन विनिंग द नेशनल अवार्ड. थैंक यू. ये तो बहुत पहले ही मिलना चाहिए आपको, लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, यू नो डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है? आपने फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टारडस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं, और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं आपको लगता है, जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें, तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीज़न से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्टिक बच्चे की तरह होता है, यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी, जब भी आपको अवार्ड मिलता है यू गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स, बिकॉज इट इज़ विद द नेशन, और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पर सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. So it just the same connotation, वही relevance है. At the same time, I was shooting that time, जब national award पता लगा मुझे मिला है. And जब मैं शॉर्ट से वापस आए, in like 5 minutes there were 40 missed calls. मैंने कहा क्या हो गया 10 minute के अंदर. तो they were like from different numbers. Then I started reading the messages, तो पता लगा national award मिला है. So it was like a weird excitement, क्योंकि मैं जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. I didn't get that moment with myself, because I was surrounded with 50 people. तो but I'm still trying to just digest that. एक्चुअली आपने बहुत सारी कॉमेडी सर्कल्स के आप हमेशा ही राइटर रहे हैं, तो क्या बहुत मुश्किल था इस फिल्म के बारे में, मतलब कहाँ आप स्टक हुए, या फिर जो आपकी स्क्रिप्ट रही हैं वो कितनी इम्प्रोवाइज हुई हैं ऑन लोकेशन? कॉमेडी सर्कस हो या बाकी जितने भी शोज हों, आपने देखा होगा हम लड़कों को लड़की बनाते रहे. ट्रू. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं. हाँ, अब पर्दे पर उस चीज़ को अलग तरीके से पेश करना, यू नो, वो एक चैलेंज था कि 2 घंटे की फिल्म में वो सब चीज़ें बोलना, वो सब चीज़ें कहना जो हम कहना चाहते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट था. लेकिन हाँ,
अगर आपके पास एक्टर बहुत अच्छे हों तो वो ना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए आयुष्मान और बाकी जितने भी लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो इतनी नेचुरल है कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती लड़की बनाया है, यू नो. तो वो एक चैलेंज था, लेकिन अंदर से आया, मतलब अंदर से हर एक लड़के के अंदर, आदमी के अंदर एक औरत होती है, तो वो औरत मैंने बाहर निकाल दी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं. The only thing I've learned being with Ekta is that film mein teen cheezon pe chalti hai, entertainment. So I think that was the reason why we decided to be a part of this film. से गबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने, but I think पूजा rocks. I think I called her a couple of times too. सच्ची? Ayushman, could we see you do a puja live in front of us? Oh my God! Listen, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के, I think माइक के जब पीछे जाते हैं तो वो डब किया मैंने अपनी आवाज़, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा शायद. But yeah, I should try. I need a dark room. आंखें बंद कर लो, मैं आप इसके पीछे जा सकते हो पोस्टर के. Fine, I'll try. But वो स्टूडियो में हम थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ और तेरा को मैं होंगी तेरी. Alright, in his first movie, Anu sir was his partner in crime and yahan pe unse ye sab kuch chupa rahe, but unfortunately he's not here with us, he's not well. So Anu sir ke liye bhi zordar taaliyan ho jaye. Anu Kapoor sahab, come on. Ayushman, Renuka from Bombay Times. First of all, congrats for your national award. Thank much you. Deserving. And Irfan once told me that, you know, when an actor has an Oscar winner in front of his name, it's a big deal for him. Likewise, today when I read the papers, it was not just Ayushman, it was national award winning actor Ayushman Khurrana. So tell me, what does that feel like, first of all? And I'll ask the second question after that. It's too overwhelming. It gives me heebie-jeebies, in fact. It gives me butterflies in the stomach. And I read that in the papers today. It was, yeah, quite surreal. I don't know what to say, seriously. But yeah, it's a good responsibility also at the same time. But will your approach towards your work slightly change, given the kind of reputation you have earned over the years? I think it was always serious and approach towards the work. Otherwise, not very serious as a person in real life. But towards my work, I'm really serious and I'll always approach scripts with that mentality and sensibility. And it has worked till now. I hope it works in future as well. Ayushman, just finally, before I give the mic to someone else, about a woman, like, you know, imitating a girl's voice, or what about it fascinates you the most when you observe women around? Or what is that one aspect that you thought you had to include in your imitation of a woman's voice? They are just more compassionate as gender. They are more attached, though I don't believe in generalizations. I think men and women are same when it comes to everything in life. A lot of people ask these questions, how was it working with a female director or a female producer? I think there's no difference. Till the time we just take out those generalizations in our life, it'll be fine. But otherwise, I believe there's certain generalizations still. Like, they are more compassionate, they are calmer, and that's about it. These are the qualities I imbibe while doing this character on screen. Thank you so much. Thank you. Congratulations for the big national award win. Thank you. You know, usually when there is an honor as big as this, usually a lot of reflection happens when one ponders over the past where one didn't have anything at all. If you can take us through the journey before Vicky Donor, when you were still giving auditions and perhaps getting rejected for really bizarre reasons from the producers. Do you recall one of those? To begin with, I think Vicky Donor's trailer was played in this Audi and I just walked the same aisle. So I was telling this to my manager that, you know, this is like deja vu. I hope this also gets that success. And, you know, it was a hard-earned success. I'm glad it was like baby steps towards success, not just a phenomenal rise. So it just gives me more calmer head on the shoulders. That journey was very fruitful from with the theater days and radio days and then television and then films. It's hard earned, as I said, and I'm still enjoying that journey. I still have that childlike quality. I get excited when the poster or the trailer comes out and get equally nervous when the film is about to release. And I think it's important to maintain that.
That's about it. Ayushman, Ayushman, two questions. Badhai Ho has also won in the most entertaining film national award, and also you're sharing the award with Vicky Kaushal. So if you can share something on that. You know, he was the first one to call me when I got to know about my national award. It was very sweet of him. I also wrote one message to him that he's such a gem of a person, and I'm glad that I'm sharing this award with him. Because he's very talented, and both of us are Punjabis, and we speak to each other in Punjabi because there are hardly any contemporaries I can talk to in my native language. So that's a lot of fun. We were together in Coffee with Karan also. We hosted a lot of award shows. So it's I have a friend in the industry for sure. Hi, Ayushman. Ravi from ABP News. Hi, kaise hain Ravi? Fine. How are you? Very good. आयुष्मान, एक सवाल. 2012 से जब आपने विकी डोनर की से शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, हर एक एक्टर का एक ड्रीम रोल हुआ करता है या कुछ रोल्स होते हैं कि वो करना चाहते हैं, उस टाइप के रोल करना चाहते हैं. जब आपने कदम रखा था हिंदी सिनेमा में, आपने कुछ सोचा था कि आप कुछ ऐसे रोल्स करना चाहेंगे जो अब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, या अभी भी आपके मन में है कि यार ऐसा किरदार करने को मिले? जब मुंबई आते हैं तो आप अपने दिमाग में रेफरेंसेस बना लेते हैं क्योंकि आपकी परवरिश हुई है हिंदी फिल्म में देखते हुए. और मैं पहले सोचा था कि मैं कभी हाँ कभी ना के शाहरुख सर का कैरेक्टर मेरे लिए ड्रीम रोल है, या फिर आमिर सर का जो जीता वही सिकंदर का कैरेक्टर ड्रीम रोल है. फिर मैंने सोचा अमिताभ बच्चन का शक्ति फिल्म का कैरेक्टर ड्रीम रोल है. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्पर्म डोनर के रूप में आऊँगा सबके सामने, या फिर ड्रीम गर्ल करूँगा, या फिर अंधाधुन करूँगा, या आर्टिकल 15 करूँगा. मुझे लगता है आजकल स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. शायद जो मैंने सोचा उसे 10 कदम आगे हैं मेरे लिए रोल लिखने के लिए. तो मैं सोचना बंद कर दिया मैंने. तो दे जस्ट सरप्राइज मी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड लाइक राज हैज रिटन दिस कैरेक्टर फॉर मी व्हिच इज अनबिलीवेबल. इतना ज़्यादा बेबाक होकर मैंने कोई फिल्म नहीं की जो मैंने ड्रीम गर्ल की है. क्योंकि मैंने काफ़ी सटलिटी में खेला है अभी तक. दिस इज़ लाइक आउट देयर एंड इट्स लॉट ऑफ फन. ये जो ट्रेलर हमने देखा बहुत ही अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया. आपने देखा हर जर्नलिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफर सबने क्लैप किया इस ट्रेलर के लिए. और ऑडियंस होती है जो फिल्म को डिसाइड करती है. और इसके पहले जो आपकी फिल्म आई, कुछ ऑडियंसेस ने उसको जज किया और कुछ ने मेंटल कहा उसे, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑडियंस की राय है, क्या कर सकते हैं. मेरा काम है काम करना, आपका काम है जज करना. आई विल नॉट स्टॉप डूइंग माई जॉब एंड आई एम ओके फॉर क्रिटिसिज्म. Wow.